राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है। देखिए, अभी मैंने घर के सारे काम करके फिर मैंने पूजा पाठ कर लिया, और पूजा पाठ करने के बाद देखिए आज मेरे गोपाल जी को मैंने नए पोशाक पहना दी। तो मेरे गोपाल जी तैयार होके बैठ गए, और अभी मैं चलती हूँ। देखिए, अभी मैं हमारे यहाँ यूपी में हमारे यहाँ इस तरीके से नागपंचमी मनाई जाती है, तो मैं उसी तरीके से मना रही हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैं नागबाग बना रही हूँ। तो नागबाग बनाने से पहले मैंने दीवारों को पहले मैंने अच्छे से पानी से धो दिया, उसके बाद में सुखा के फिर मैंने नागबाग बनाया। तो नागबाग मैं किस तरीके से बनाती हूँ, किस चीज़ से बनाती हूँ मैं बताती हूँ। तो नागबाग मैं बनाती हूँ, कच्चा दूध या गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद में दूध और आम की लकड़ी को जला के उसके बाद में फिर उसका जो कोयला बनता है उससे हम दूध में मिला के फिर हम नागबाग बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, हम अपने गांव के तरीके से जो हमारे यहाँ जिस तरीके से मनाई जाती है नागपंचमी, मैं उसी तरीके से मना रही हूँ। मेरे यहाँ इसी तरीके से मनाई जाती है। और देखिए, गांव में तो खैर घर लीपना पोतना ये सब होता है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। घर में हमने सारा काम कर लिया, झाड़ू पोछा से लेकर सब कुछ साफ सफाई, फिर मैंने अपनी जो गांव के तरीके से मैं अपनी नागपंचमी मना रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं सारे जितनी हमारी जो दरवाजे हैं उन सभी पे नाग बाबा बना देती हूँ। इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ बनते हैं मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। फिर नाग बाबा बनाने के बाद फिर मैं उनको कच्चा दूध जो होता है वही पिलाऊंगी उनको, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे मनाते हैं हम उसी तरीके से कर रही हैं ना। तो देखिए, अभी मैंने इस दीवार पर बना के फिर मैं उस दीवार पर बना रही हूँ। इस तरीके से हमारे यहाँ बनाए जाते हैं नाग बाबा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने दोनों दीवारों पे बना दिए, दोनों दरवाजों पे, देखिए ये वाले और ये वाले, इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। फिर देखिए, मैंने नाग बाबा को दूध दूध पिलाए, फिर मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो हमारे घर में देखिए अभी नाश्ता चल रहा है, इन सब कर रहे हैं, ये लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं। और मेरा तो आज फास्ट है, यानी कि सोमवार का व्रत है, तो मैं उपवास हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। और मैं अपने जो हमारे यहाँ जो क्या बोलते हैं सेवइयाँ बनती हैं, तो मैं सेवइयाँ बना रही हूँ। और ये फैनी बननी है, यहाँ पर मैं फैनी बना रही हूँ। गांव में तो आटे के घर पे सेवइयाँ बनाते हैं, फिर नागपंचमी को और रक्षाबंधन को इन सभी को वही सेवइयाँ बनाते हैं, जो हम घर पे आटे की सेवइयाँ बनाते हैं वो वाली। तो यहाँ पर देखिए, मैं दूध लेकर के आई थी, इसके पापा 4 लीटर दूध लाए, तो अभी तो मैंने 2 लीटर अलग अलग करके रख दिया है, क्योंकि शाम को हम बनाएंगे खीर। और अभी मैं सेवइयाँ बना रही हूँ। तो देखिए, अभी 3 पैकेट सेवइयाँ की लाई हैं, इसको मैं अच्छे से पहले देख लूँगी और उसके बाद में फिर मैं इसमें दूध में डालूँगी। तो दूध अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें डालना चाहिए। तो मैंने देखिए सेवइयाँ को तली नहीं है, और मैं इसी तरीके ऐसे ही डाल दूँगी। कोई कोई लोग है ना तल लेते, पर मैंने तल नहीं, पर ये पहले से ही तली हुई आती, तो इसे तलने की ज़रूरत है नहीं। तो इसी तरीके से मैं इसमें डाल दूँगी, पहले एक बार चेक कर लेंगे फिर डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा बहुत हम ड्राई फ्रूट काट के डाल देंगे, तो ड्राई फ्रूट डालने से थोड़ा सा स्वाद और बढ़ जाएगा, इस वजह से इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे तो ना बहुत अच्छी से ये अच्छी लगेंगी फैनी। तो इस वजह से मैं इसको डालती, एक पैकेट बचा है इसको हम रख देंगे, इसको हम आगे पीछे कभी हम बना लेंगे, जब मन होगा तो ना तब बना लेंगे। तो हमने एक रख दिया और हम इसमें जो है ड्राई फ्रूट डालेंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। तो ये दूध जो मैंने 2 लीटर मंगाया है, वो दूध जो है मैं शाम को बनाऊंगी, और शाम को मेरे जो देवरानी है उसके मेहमान हैं आ गए वहाँ पर उसके मायके से, तो उनके लिए मैं फिर खाना भी बनाऊंगी। तो इस वजह से फिर मैंने उनको बोला था कल शाम को कि शाम को मैं कल आना मैंने कहा मेरे घर, तो फिर मैं जो खाना पीना बनाऊँगी। तो उनके लिए फिर मैंने सोचा चलिए दूध मंगा लेती साथ साथ में अभी, तो फिर शाम को जो खाना बना लूँगी उनके लिए। तो इसीलिए फिर मैंने दूध मंगाया था, और दूध मंगाने के बाद मैंने उसको गर्म करके रख दिया। वो तो बोल रहे थे अभी ऐसा ही रख दो, पर मैंने बोला मैंने कहा गर्म कर लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो भी शाम तक के हवा कहीं फट ना जाए, तो इस वजह से मैंने उसको गर्म करके रख दिया था। तो देखिए, अभी मैं ड्राई फ्रूट को काट रही हूँ, उसमें जो भी काजू बादाम सब कुछ डालना है वो डाल सकते हैं। मैं भी देखिए जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट है वो मैं इसमें काट के डाल देती हूँ। देखिए अभी अभी खोपरा यानी कि वो सूखा नारियल होता है वो लेकर के आए थे,
तो बहुत अच्छा निकला नारियल, इतना इसमें चिकनाहट है, बहुत बढ़िया, एकदम नरम है, बहुत अच्छे से ये कट रहा है। देखिए बच्चे भी पास में खड़े हैं, इनको भी चाहिए, मुझे भी दो मुझे भी दो, तो ये देखिए ले रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लगा नारियल तो खा रहे हैं। और मैं अभी देखिए काट के इसमें डाल दूँगी। तो दोस्तों कई दिन से, दो तीन दिन से मैंने वीडियो भी नहीं डाली, और वीडियो डालने का कारण ये है कि ज़्यादा मेरे चैनल पर व्यूज़ भी नहीं आते, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो पर भी फोकस नहीं कर रही हूँ। और कुछ और जो हमारे फ्रेंड्स आते हैं मेरे चैनल पे, मैं उनके वीडियोस नहीं देख पाती, क्योंकि हमें सही सही अगर बात बताऊँ तो पहली बात तो हमें इतना घर में काम हो जाता है, और दूसरी बात मोबाइल हमारे हाथ में नहीं होता है, इस वजह से फिर हमें आपके वीडियो से नहीं देख पाती, और आपके जो वीडियो पे जो नहीं आ पाती चैनल पे। तो दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देखें तो आप मेरा वीडियो देख कर के समझ जाना कि मैं क्यों नहीं आ पा रही हूँ। तो यही है वजह जो हम नहीं आ पाते आपके वीडियोस पे। और संडे के दिन तो ऐसा होता कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो संडे के दिन फिर मैं इससे नहीं आती हूँ आपके चैनल पे। और संडे की तो बात अगर करो तो क्या बताया जाए, संडे को तो इतना काम हो जाता है घर का ही, इतना सारा काम, फिर बच्चों की ड्रेस वगैरह धोना, कपड़े लेते भी इतने हो जाते कि बहुत ज़्यादा काम। फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि चलो कहीं थोड़ा बहुत मेरे मतलब कि संडे होता है तो फिर बच्चे भी घर पे रहते हैं और ये भी सब रहते हैं, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपना अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो भी जो इनके पास भी थोड़ा बहुत टाइम जो हम देना चाहें वो नहीं दे पाते, इस वजह से फिर हम संडे को थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं। और मैं सोचती हूँ कि ये तो हमारा डेली का काम है, इसको तो हम आगे पीछे करते नहीं, लेकिन फिर बच्चे हैं, पति हैं, इनको भी तो सबको फिर थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है इनके, तो इस वजह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती, इसीलिए फिर जो है मैं संडे को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमें बहुत सारी बातें कर ली हैं, और यहाँ पर हमने देखिए ड्राई फ्रूट सारे डाल दिए थे, फिर इसमें मैंने ढक दिया इसको। ढकने के बाद फिर मैंने सोचा चलिए मैं भी जो है थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो है उपवास है, तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ, फिर मैं कुछ और बाद में देखूँगी दिन में। और मैं ना साबूदाना बनाते, पर है ना साबूदाना मुझे सूट नहीं करता है, मतलब साबूदाना बना लो खा लो, पर है ना ऐसे ही रखा रहता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि शाम तक इसको खा के भूख ही नहीं लगती, ऐसा हो जाता है, तो इसलिए मैं जो है ये नहीं बनाती साबूदाना। एक बार बनाया था, मेरी जो बेटी थी उसको मन था, तो उसके लिए फिर मैंने बना लिया था। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है सिवैयाँ बन गई हैं, और यहाँ पर चाय वाय पीने के बाद मैंने सिवैयाँ को देखा तो ये बन चुकी है, इसमें मैं थोड़ी सी शक्कर डाल देती हूँ, तो शक्कर डालने के बाद इसको अच्छे से मिल जाने देंगे, फिर इसके बाद में सबको दे देंगे, अगर खाएंगे तो हम दे देंगे, नहीं तो फिर सुबह ये सब नाश्ता कर गए हैं, तो इसीलिए फिर अगर जिसको भी भूख लगी होगी उसके लिए फिर हम दे देंगे, नहीं तो फिर हम दोपहर में ये सब खाएंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यहाँ पर देखिए मेरी सिवैयाँ बन चुकी, मैंने इस तरीके से सिवैयाँ बनाई हैं, अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और अपना ध्यान जरूर रखना, मेरा वीडियो शेयर जरूर कर देना दोस्तों। मैं अपना जो यूपी के तरीके से मैंने अपना आज वीडियो बनाया है।